आजकल कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे अपने गले में कुछ अटका अटका सा लगता है, या गले में कुछ फंसा फंसा सा लगता है, या ऐसा लगता है कि खाना गला में अटका हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है, या कई बार ऐसा भी लगता है कि कोई गला दबा रहा है। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि देखा जाता है आजकल के पेशेंट्स में। तो इसके बारे में मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले इसके क्या कारण हो सकते हैं, गला में कुछ फंसा फंसा लगना के क्या कारण हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करूंगा मैं। कई बार तो गले में अगर इन्फेक्शन होता है, माइल्ड इन्फेक्शन भी गले में होता है, जिसको कि फेरेंजाइटिस बोलते हैं, उस कारण से भी ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, कुछ फंसा हुआ है और वो बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा फिर क्या होता है हमारे साथ, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। कई बार साइनस के इन्फेक्शन में या नाक के इन्फेक्शन में या साइनसाइटिस में क्या देखा जाता है कि नाक के पीछे से पानी गले में आके गिरता है, तो लगता है कि गला को बार बार साफ करें, या लगता है गले में कुछ अटका हुआ है, और कई बार उसको लोग इस तरह से करके साफ करने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या कारण होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, उसको LPR बोलते हैं, लैरिंगो फेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज। हमारा पेट होता है, हमारे पेट में अम्ल या एसिड बनता है जो कि खाना को पचाने में हमारी मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो कि खाना को पचाने में हमारी मदद करता है। कई कारणों से क्या होता है कि कई बार वो अम्ल जो होता है वो आपके वापस गले में आने लगता है, जिसको कि रिफ्लक्स बोलते हैं, लैरिंगो फेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज। हमारे पेट का अम्ल जब गले में आता है तो क्या करता है, स्वरयंत्र के आसपास सूजन कर देता है, एरिटोनाइट कार्टिलेज के आसपास सूजन हो जाता है, और हमारे गले के पिछले भाग में भी वो अम्ल आकर वहां पर लालपन या सूजन कर देता है, जिसके कारण हमें ये लगता है कि हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है। अब लैरिंगो फेरिंजियल रिफ्लक्स डिजीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत रैम्पेंट है, कई लोगों में देखा जाता है। इसका कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण होता है समय पे खाना नहीं खाना। लोग क्या करते हैं, आपाधापी की जिंदगी में समय कम मिलता है तो लोग खाने को स्किप कर देते हैं। कई बार ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है, कोई लंच स्किप कर देता है, कोई डिनर स्किप कर देता है। मील स्किप करने के कारण जो अम्ल होता है वो वापस गले में आने लगता है, तो ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। दूसरा कारण क्या है? तेल, मिर्च, मसाला का ज्यादा सेवन करना, ये कारण है गले में रिफ्लक्स का। तीसरा क्या कारण है? एक्सेसिव टी, बहुत चाय पीना, बहुत कॉफी पीना या अल्कोहल का सेवन करना, इसके चलते भी रिफ्लक्स होता है। फिर कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके चलते रिफ्लक्स होता है। अगर लंबे समय तक एंटीबायोटिक लिया जाए तो उसके चलते रिफ्लक्स होता है। अगर पेन किलर लिया जाए लंबे समय तक, उससे रिफ्लक्स हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी समय पर ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। समय पे खाना ना खाने से, स्ट्रेस भरी जिंदगी जीने से, पान तंबाकू बीड़ी का सेवन करने से, इन सब चीज़ों से देखा जाता है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो रहता है एंग्जाइटी या स्ट्रेस। एंग्जाइटी या स्ट्रेस में लगता है कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है। इस कंडीशन को हम लोग ग्लोबस फेरेंजियस बोलते हैं। इसमें असल में गले में कुछ फंसा नहीं रहता, लेकिन ऐसी हमेशा एक फीलिंग आती रहती है कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, कहीं कुछ मुझे बीमारी तो नहीं हो रही है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो रहा, ये लोगों के दिमाग में चलता रहता है। इसको ग्लोबस फेरेंजियस बोलते हैं। लेकिन ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। हम लोग अंतिम में ग्लोबस फेरेंजियस मानते हैं जब कुछ सब कुछ देख लेते हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तभी हम लोग ग्लोबस सिम्टम्स को इसमें मानते हैं। अब हमें कैसे इसको ठीक करना है, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? अगर साइनसाइटिस के कारण हो रहा है तो हम लोग साइनसाइटिस का इलाज करेंगे। अगर गले में इन्फेक्शन है फेरेंजाइटिस, तो फिर हम एंटीबायोटिक वगैरह देके इसका इलाज करेंगे। अगर LPR या लैरिंगो फेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज है, पेट के अम्ल का गले में आना है, तो उसके लिए हम लोग को दवाइयाँ देनी पड़ती है। ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है जिससे पेट में एसिड का बनना कम हो, और दूसरा अगर एसिड बने भी तो वो दोबारा गले में वापस ना आए। तो ऐसी दवाइयाँ देके हम लोग एसिड को ऊपर आने से रोकते हैं। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में क्या आता है? थोड़े कपड़े हम लोग लूज पहने, बहुत टाइट कपड़ा पहनने से भी रिफ्लक्स होता है। दूसरा क्या होता है? प्रॉपर एक्सरसाइज करें, कम से कम 40 से 45 मिनट चलें, एक्सरसाइज करें। तीसरा क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, समय पे खाना खाएं, हर 3 से 3.5 घंटे पे पेट में कुछ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, छोटे छोटे समय के अंतराल पे खाना ठीक से खाना। इसके चलते क्या होता है, पेट का जो अम्ल रहता है वो वापस हमारे गले में नहीं आता है। बहुत हैवी या बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक रिफ्लक्स का कारण बनता है। तीसरा क्या है, जो सबसे अंतिम और सही उपाय है, लाइफस्टाइल को अपना ठीक करना। तेल, मिर्च, मसाला का सेवन कम करना, टी कॉफी का सेवन कम करना, और पूरी तरह नींद लेना।
अब हम आ जाते हैं, हम लोग कैसे इसको देखते हैं, कैसे इसको डायग्नोज करते हैं। पहले तो हमें देख के ही पता चल जाता है कि कैसे ये हो रहा है। हमारे गले के पिछले वाले पोर्शन में लालपन दिखने लगता है। कई बार हम लोग दूरबीन द्वारा जांच करते हैं, जिसको वीडियो लैरिंगोस्कोपी बोलते हैं। वीडियो लैरिंगोस्कोपी क्या करते हैं, हम लोग दूरबीन से गले को देखते हैं, दूरबीन से जीभ के पीछे वाले पोर्शन को देखते हैं, दूरबीन से हम लोग स्वरयंत्र को देखते हैं, स्वरयंत्र को देख के देखते हैं ठीक से खुल और बंद हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर कोई सूजन या गांठ तो नहीं पड़ा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये वीडियो लैरिंगोस्कोपी से हमें पता चल जाता है। और वीडियो लैरिंगोस्कोपी से हमें और भी कारण का पता चल सकता है, जैसे गले का कैंसर तो नहीं है। कई बार छोटा मोटा गांठ पड़ जाए गले में, ट्यूमर हो जाए गले में, अगर कैंसर हो गले में तो उसमें भी गले में कुछ फंसा फंसा लगता है, लेकिन वो काफ़ी बाद में लगता है, शुरुआत में गले में आवाज़ में बदलाव आ जाता है। इसीलिए कैंसर भी इस समस्या को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस में। ये तो हम लोग डायग्नोसिस कर लिए, आपको ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोगों ने बता दिया। इस चीज़ के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है रीअश्योरेंस, पेशेंट को ये बताना कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ज़्यादा घबराने से इसमें और आपकी समस्या बढ़ती जाती है, और दिमाग में जो कैंसरोफोबिया चलता रहता है या जो कैंसर का डर चलता रहता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं रहा, उस चीज़ को हमें दिमाग से हटाना पड़ेगा। कई बार लोग तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट छोड़ देते हैं, लेकिन वो डर उन पर व्याप्त रहता है कि कहीं मैंने इतने लंबे समय तक पान, बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट का सेवन किया है तो कहीं मुझे ये कैंसर में ना कैंसर का रूप ना ले ले। इस बात से घबराना नहीं है, दवाइयों का समय पर सेवन करना है, तेल मिर्च मसाला का सेवन कम करना है, एक्सरसाइज करना है और समय पर खाना खाना है। कई बार महिलाओं में देखा जाता है उपवास करने की बहुत आदत होती है, महीने में 5 दिन या 4 दिन या हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन वो बिल्कुल खाना नहीं खाती हैं, बिल्कुल खाली पेट रहती हैं। इन सब कारणों को भी हम लोग को ध्यान में देना पड़ेगा, और बार बार पेन किलर या एंटीबायोटिक की दवा खुद दुकान से खरीद के खा लिया, इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू। और किस प्रॉब्लम? बहुत बहुत धन्यवाद सर इस टॉपिक में विस्तार से बात करने के लिए। डियर व्यूअर्स, इस संबंध में आपको कोई भी परेशानी हो या कुछ सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल दें या कॉल करें 0651-7100100 पर। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।